लाइव है ये तस्वीरें, असंध पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और एक व्यक्ति रमेश जिसका नाम है उसने सुसाइड कर लिया है पुलिस स्टेशन के अंदर, जो सूचना मिली है। और उनकी पत्नी और उनके जो सगे संबंधी है वो यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। इस टाइम पुलिस स्टेशन असंध के अंदर है और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या नाम था। और तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि किस तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ ये बताया जा रहा है कि एक मिस्त्री के द्वारा जो है झूठी शिकायत जो है की गई थी, तो पूरी क्या कहानी है वो जानेंगे। आपके हस्बैंड थे जी? हाँ जी। क्या नाम था जी? रमेश। लगभग कितनी उम्र है? होगी 25 साल का। क्या बात हुई थी, किसके साथ झगड़ा हुआ था? महावीर मिस्त्री के साथ। किस बात को हुआ था? बस दिहाड़ी पहलाए करे थे, वह गाली दे के बोल रहे दी की, फिर उसने फट्टा मारे, इसने कसी मार दी, बस ये बात थी, बस कोई बात नहीं थी। छठवा उसकी लेडीज थे, वह दोनों जी थे। अच्छा। माँ बीरे की घर वाली भी थी। समझौते की बात भी चल रही थी। हमने समझौते की बात करी थी जी, वो उसकी घर वाली ये बोलने लगी मेरी ऊपर तक्कर पावर है तो मैं ऊपर तक्कर कार्रवाई पूरी कराऊंगी जी। हमने उसको पैसे देने की भी पूरा वो करा दी, वो निकालने लगी, मैं नहीं मानती, कहती भाई पैसे तुम मेरे से ले लो, बाकी मैं पूरी कार्रवाई कराऊंगी। फिर हमको छोटा भाई रात उसको मिलके भी गया तो उसको बोले भी कोई दिक्कत को नहीं है, तो सुबह हमको बेरा लगा अभी छोटे भाई ने फांसी ले लिया पजामे के साथ। ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सो रही थी कि पुलिस प्रशासन कहाँ गई थी? पुलिस ने देखना चाहिए था ना, मार को दिखाया और सुबह डैडी ने ड्रिंक करके दिया धक्के से उसको 5 बजे उठा के और ड्रिंक करे हो अंगूठा लुवा लिया जी उसको और मारे जी। अभी अभी जो कार्रवाई है उन लोगों के खिलाफ चाहते हैं? बिल्कुल हम कार्रवाई चाहते हैं जी, बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। हाँ जी, जिसने शिकायत दिया जी। इब कोई नहीं है, बस सारे बिक गए, उन्हें मारे और थाने वाले का हाथ आया, चाचा तभी ना ले गए मारे। तेरे के नाम है? रजनदीप। उसकी घरवाली तो हाँ जी, घरवाली। तेरे को कब पता लगा? सुबह पता लगे 7 बजे पुलिस ने बताया। हाँ, और उसके बाप को बुलाया था, तेरे ससुर को बुलाया था। हाँ जी, वह दारू पीवा उसका। फिर पुलिस आपको उठा के ले आई, आपके ससुर को उठा के ले आई? ससुर के ले आई, मुझे नहीं बताया। आपको पुलिस ने कब बताया कि आपका पति मर चुका है? सुबह बताया 7:30 बजे यहाँ पे आया पीछे, जब भी आया कहा ठीक है, फिर बाद में बताया। आपके पति को हिरासत में कब लिया बहन जी? शनिवार रात लिया था, शनिवार सुबह लिया था घर से लेके। हाँ, घर से लेकर आई थी, घर आई था जब लेकर आई। अब आपके क्या विचार है, किसने मारा या अपने मरिया, ये क्या हुआ? इन्हें मरवाया, थाने वाले ने मरवाया, रात कैदी वहाँ कहाँ गए, जो से रात कैदी थे उसने उसे पता मरवाया, उसे उस कैदी थे चार। औरत ने शिकायत दी? हाँ, औरत ने दी थी, औरत ने। सीमा नाम था, सीमा देवी को क्या इल्जाम लगाया था उसने? यह लगाया ये जान तो मारन लग रहा था यो कि मेरे पति को। हाँ, उसने यह इल्जाम लगाया, ये इल्जाम लगाया था। और कुछ छेड़छाड़ का इल्जाम तो नहीं था? ना ना ना। अच्छा, ये इल्जाम था कि मेरे पति के ऊपर उसने हमला किया है। अब आप क्या चाहते हैं जी? क्या तो इस समय लाइव है तस्वीरें और इस समय जिंदा छोड़ के गई, जिंदा ही लेकर जाऊंगी, बस इन ही मैं रहा। कुछ तो करो, हाल छोटे छोटे बच्चे। आपका पति अभी अस्पताल में है, अस्पताल में आप डेड बॉडी को देख के आई हैं? नहीं, दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है। अरे ये तो आपके पति आपके डेड बॉडी तो दिखाएंगे आपको? नहीं दिखाया, किसी ने देखा करके बंदा डेड बॉडी तो दिखा सकते हैं। तो लाइव है तस्वीरें और इस समय बताना चाहूंगा कि पुलिस स्टेशन असंध में है, पुलिस स्टेशन असंध में एक व्यक्ति रमेश है, रमेश की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि रमेश ने सुसाइड किया है। जज साहब अंदर बैठे हैं और पूरी छानबीन है वो यहाँ चल रही है, महिलाएं भी यहाँ पहुँच गई हैं, उनके परिवार के सदस्य भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से इस घटना को हुई है वो कहीं ना कहीं देखना होगा। पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और इनके भाई इनसे बात करेंगे। छोटे भाई थे और उनको 3 दिन हो गए अंदर कर रखा था। मेरा नाम सर नरेश है। भाई और सगे? हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ सर। दो सिर्फ मामला कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ये था काम पे लगा हुआ था, उसने अपना एक बंदा दूसरा लेके आया था वो, तो उसने हाँ जी छोटे भाई ने उसको ये बोल दिया भी आप दूसरे को लेके आए तो आपने मेरे को क्यों नहीं लगाया। उस मिस्त्री ने क्या करा, उसको गाली निकाल लिया दी की, उसने उठा के उसको फट्टी मार दिया, बस इतनी बात पीछे सुने छोटे ने भाई ने अपना उठा के उसको कसी मार दिया, कसी थोड़ी सी लगी हुई थी। ये बता सकते हो कि शिकायत कब दी थी उस महिला ने? उसको परसों की देर की जी, वो कहती थी मेरी ऊपर तक पूरी पावर है।
वो कहती थी मेरी ऊपर तक पूरी पावर है। शनिवार को शाम को भी ले गए थे और उसको सुबह भी ले गए थे, सही तो 3:30 बजे लेके आए थे जी। उसने पूरी कंप्लेंट करके जज दी है जी। उनका रोष उस औरत के खिलाफ है जिसने झूठी या सच्ची शिकायत दी थी? हाँ जी, हाँ जी। या पुलिस के खिलाफ है? पुलिस के खिलाफ है। नहीं, पुलिस क्या कर रही है, जब वो अंदर था नवार को दिखाया, सुबह डैडी को उठा के लाया और डैडी ने ड्रिंक करके दी, धक्के से उसके अंगूठे लवा लिया जी। और किसी परिवार के मेंबर को कुछ नहीं बताया? अभी कुछ नहीं बताया। तो लाइव तस्वीरें हैं और ताऊ हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। बच्चे नानी ने मरवाया जो मारिया है वो भी पुलिस वाले मारिया, अपने आप नहीं मरिया। हाँ, इन्हें मरवाया पैसे मार, वो नहीं जनानी ने दिखते ने पैसे दे मरवाया है। हाँ, और गाले में नहीं हुई। ए बहन पूछिया क्यों ले गए नो थे अस्पताल? और जिसने झूठी शिकायत दी थी इसकी समझौता नहीं होने दिया था? हाँ, वो भी सारे बेटिया होंगे जिस झूठा दिखता ना वो मजबन है। हाँ, है ना, ये गल माड़ी है। वेखो जी, आज तक कोई थाने वाला नहीं, किसे मारिया सी ना कोई कपड़ा जान दें दे, ऐसे तरह जान दें खाए के लग जाए क्यों रज के मारिया रज के। सांझ भी जिंदा था, सांझ भी मिलकर गए ने बोला सवेरे आई इसकी जमानत करवा कर सी की मारी, फिर ले रही आने बच्चे हैं इसके, क्यों कर रहा था इसका उड़ा रहा था तड़की, इसकी जमानत होती तड़की लगते ना खत्म हो पाया ना पेटा भर के अभी जीवा मरा कुछ भी कोने दिखाया ना मरिया दिखाया ना जिंदा दिखाया, न्याणे ने बच्चे ये कड़ा वगी लगा देखिए आप भी खुद समझदार हो जी देखिए कहाँ वगी लगाया। हाँ, जिसके बंदा करता मर्द उसकी लगाई पके बीतता है केवा सोच दिख रहेगी केवा भी आंदे वगी यहाँ बैठे तो दिहाड़ीदार मेहनत है। हाँ, कुछ ये मेरे गाँव की लड़की है, ये उनके दादा जी है, ये उनके पिताजी है, मेरे को सवेरे इन्होंने बताया अभी ऐसे ऐसे काम हो गया, अब आए पता लगता है अभी कैसे क्या सिचुएशन हुई है, फिर करते हैं बातचीत। कल भी नहीं, अभी नहीं मिले, अभी आया हूँ मैं अचानक। हाँ, अभी आया हूँ, ये हमारे गांव की लड़की है। किसी ने झूठी शिकायत दी थी इसको परेशान किया जा रहा था? हाँ, जैसे झूठी की थी तो वो अभी पता लग जाएगा, प्रशासन के हाथ में सारा कुछ बताएंगे क्या हुआ था। रात आयु को बोला था मैंने भी, मारे ना 10 बजे सुलह हो जाएगी, इसको छोड़ दो आप। तो आयु बोला नहीं नहीं वहाँ से सुलह लेकर, वो भी उसको ये था भी पैसे दे थोड़े वाले तभी छोड़ दूंगा, बात तो कोई इतनी लंबी चौड़ी है भी नहीं थी बस ये। हाँ, चोट कुछ भी चोट भी इतनी खास नहीं है, अब ये बनवाएंगे जान के बनवाएंगे जो भी बनवाएंगे, और कुछ नहीं है। तो लाइव है तस्वीरें और इस समय जी जाने पोस्टमार्टम भी करनाल हो, कल्पना चावला में हो, यहाँ बिल्कुल भी मत करवाए, उधर होना चाहिए, यही डिमांड है इनकी लड़की वालों की तरफ से। तो इस समय लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए और प्रशासन के खिलाफ जो है नारे लगाते हुए, तो इस समय लोग आक्रोश में हैं कि किस तरीके से लगातार दिखाना चाहूँगा कि इस समय पुलिस स्टेशन के गेट के बिल्कुल सामने जो है बैठ जाते हैं, और इस समय लाइव है ये तस्वीरें, और पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसने जहां वो लॉकअप में बंद था अपनी पेंट के साथ जो है सुसाइड किया है, और किसी महिला के द्वारा उसकी झूठी शिकायत जो यहां दी गई थी, और ये महिला पुलिस स्टेशन के गेट के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं और लगातार लाइव है तस्वीरें पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने, और पुलिस स्टेशन के अंदर लगाई है फांसी। अब देखना ये होगा कि परिवार के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। एक मिस्त्री के द्वारा जो है झूठी शिकायत यहाँ दी गई थी। कौन रहा था? यू रहा था 2 साल रहा। क्यों? दो करनाल रह रही मर रहा 2 साल। बस में बग गया था नीवज करिए न कर दिया था। हाँ, 2 साल थाने में रहा,
हमने दौरा ला लिया, पीछे भी मरे, जब छुटका आया था जद नहीं मरिया, यू हरीब क्यों मर गया, इतना डेट था छोरे में हाथी बरगा डेट था, मरा को नहीं था, वो मार दे था, वो मार दे था, इतना डेट था तुम्हें थाना बताऊं बात, वो मर्द इसे वाके में गया था, क्या ही का वाका नहीं था उस पर, ना छोरी का था, ना बहू का था, ना नानी का वाका तो था ही कोनी, इसे वाके में जो करीबी अब तक फैसला नहीं देवती, इसे लगाई ना बस मर्सी चंडर लगे, पहला मिस्त्री ना मारिया फट्टा, फिर ना कसी बार दी, फिर वह कसी के मारे इसका चंडर होगी, मैं इसकी ताई हूँ, ताई हूँ, मेरा बेटा बीमार हो रही, मैं बीमार हो रही, मैं मेरा बेटा भी गया, मेरा पोता भी गया, शबार ने उसे दिन लड़ाई हुई, मैंने बेटे चक्कर आवा मर पर रहा को नहीं गया, इतना के बाद तीन पड़ोसिया थे उसके गिल्लो, वहाँ खड़े गए चार जने थे, वहाँ खड़े गए, कल्ला क्यों रह गया, यो इसके बाप ने लिया, माना बेरा भी कौन लग गया है, रुको तो मार दन दे, दो साल रह आयु जद नहीं मरिया, करनाल न जाकर पता कर ले क्या के पास मत आयु, तने सुनाऊ बात, चल क्या ही मर तो जाना, जद दो साल रहा हमने पीछे पर छुटवाया था जियो, घर ने 10-10 हजार रुपया दिया जद छुटिया था, यू हरीब क्यों मर गया, यू हमने चोट लग रही, हम थर मुआवजा दे देंगे, मैं इसकी मौसी हूँ सागी, मेरे तो बच्चे हैं ये, मन तो मसा पाले थे दे ये, हम तो मिलने के लिए उरा भी आई, मगर जी कोई बात नहीं, इसका चोट लगी, उसके भी पैर पकड़े हमने जी ने दरखास्त दे रखी, मगर तो अपनी चोट का मुआवजा ले ले, हर मैं कोई बात नहीं ठीक करा देंगे हम, ना मैं तो कोई कार्रवाई करूंगी, मैं रुआ का ही गई, वह रात में इनके मिल का पुलिस आएंगे, इसका मेरा तो मैं का सीमा आदलो, के नाम है मन, उसके नाम का भी नहीं, मेरा डेड के मार तो धूपी का हो उरा उरा हुआ कई साल हो, मिस्त्री का रोल लगे थे इसमें पुलिस आएंगे लमर मार का गया हो, हाँ पुलिस आएंगे रोल, पुलिस आएंगे लम मिल का उरा मरवा का गया हो, पता है क्या जी भीतर नाड़ा भी ले रहे थे, नाड़ा भी ले रहे थे, कैसे मर गए, कुछ ले नहीं, पुलिस आले अंदर नहीं, जब अंदर उसमें बैठा हुआ नहीं, बेल्ट लग सारा कुछ काट लिया, नुका फांसी लेगा, मरे फांसी लेगा तो मर नहीं सकता बंदा, मानते को बात है, नहीं ले सकता यार, सारी शाम झूठ बोलो ना, एक अवलदार शाम ही बैठ रहा अवलदार, लग भी को नहीं भाई, कड़ा लाई क्यों लाई, क्यों ले गए हमारा बिना, ले गए उसने क्यों ले गए, पुलिस प्रशासन मतलब दिखाना था उसने, भाई तारा बच्चा उड़ा टंग रहा क्यों नहीं उन्होंने दिखाया, सवेरे उन्होंने ठहका डैडी पता, डैडी ने मारे ड्रिंक करती थी और सवेरे उसके धक्के से लूठे लगाएगा और सवेरे उसको वहां लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, हाँ बाद में हम आए, बाद में मर के बोले यहाँ नहीं है, बोले हॉस्पिटल के अंदर चले गए, क्यों लुआए ना, इन लुआए पुलिस वाले ना, पुलिस वाले ना लुआए जी तड़की, तो इस समय जो लोग हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँचते हुए, और इस समय दिखाना चाहूंगा कि गलती से चार वहाँ तीन गद्दी भी नहीं पाए, यूं कल्ला क्यों पाया है, और पहरेदार ने पूछो, पहरेदार ने सारा पता, तो सागा पानी भी देवे पहरा भी मारन खत ले थे, पर दिन खत ले थे उरा, कुछ तो करे होगा ना, कोई देखा भी होगा, सारा ताना भर गया, कोई क्यों मर गया और क्यों नहीं मरे उदन के उरा, इन्हें मरवाया इन्हें रात ना आप मरवाया, उस महिला के ऊपर भी आरोप है कि जिस महिला ने झूठी शिकायत दी है कि उसने जो प्रताड़ना इसको दी है, और लिया जिसका वो मर गया, वो टांग दिया पजामा काट गया, कल कौन आता था मिलने के लिए, कोई नहीं, सारे आए फैसला, इसका ससुरा भी आया, इसका साला भी आया, इसका मुस्सा भी आया, सारे जी आ रहे थे, एमसी भी आ रहे थे सारे, हम फांसी लेकर मर गया, कम तो कम मुंह तो दिखाओगे, अगर भी रोला फांसी में मारो तो पेटा पर हो दिखाए ना, और क्या तेरी फांसी लेकर मरे, क्यों ले गए अस्पताल में, क्यों मरा जिंदा भी दिखाने तो मरा, मरे भी तो दिखाने, तो कुत्ते भी दिखाने दे, पूरा पड़ा रंगा, फूल सारे तो जिंदा लेट है, मरे भी दिखा सकते, मरता मां बता दे, फिर फांसी लेकर मर के मर तो फांसी का मौजूद क्या हो गया, करे फांसी लेकर मैं इस चीज में फांसी ले रखी ना, ये क्यों उतार कर ले गए, ये बच्चे ने मेरे ने क्यों उतार कर ले गए, उतार मार के ना, हमने के इनका खोट कर दिया था कुछ, हमारे ने मार का ये बाहर काट कर ले गए, अब पे क्या तो ले गए, के मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर जो लोग हैं वो यहाँ इस समय
इकट्ठा है और देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन असंध में है और लाइव है ये तस्वीरें। और एक व्यक्ति रमेश पुलिस के द्वारा जो सूचना मिली है कि उसने सुसाइड किया है और अभी महिलाएं भी हैं उनके परिवार के सदस्य हैं वो जो है गेट पर बैठ गए हैं और इस समय थोड़ा सा लगातार इस समय देखिए किस तरीके से कौन ये लोग हैं भाई प्रशासन किस वास्ते रात ना तो नहीं प्रशासन झगड़ा भी कौन था बंदा भाई साहब रात ना प्रशासन कोई सिंपल दरखास्त देने भी आवा नहीं इस तरह पड़ेगा जमाने जिस तरह हम कोई गुंडे हैं या अपराधी हैं अपराधी का साथ देंगे और जो साफ है उसको ठोकेंगे अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये असंध थाने का रवैया है ये इतना बुरा हाल है असंध थाने का। 3 दिन हो गए किस लिए रख रखे जो अंदर किस लिए रख गया मार क्या जी क्या मार क्या मार क्या जी कमाल करे और किसने मारा जी और हमने मारा जी वो 3 आदमी थे ना जो रात थे नहीं अंदर जेल में जब वो 3 आदमी है तो अंदर दिखाओ कहाँ गए रात को जमा दो की उनकी उन आदमी ले आओ जी हमारे पास जिन जो रात थी इसके साथ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर सकते गए थे 4 बंदे है रात रोटी लेके गए पानी और मिल गए हैं सही था जमा अट्टा कट्टा था बिल्कुल सही था लेकर के आ गए सब ठीक ठाक था सब ठीक ठाक था जी कोई दिक्कत नहीं थी। आप खुद ही कह रहे हो कि भी इतना बड़ा मैटर भी नहीं था कोई मैटर नहीं था थोड़ा झगड़ा पीछे लेने था उसमें मिस्त्री पे उन्होंने दरखास्त दे रखी थी बस सुलह हथवाई होगी थी उसकी। आप जैसे पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप क्या सोच के लगा रहे हैं आरोप सोच के लगा रहे जी अंदर जो अंदर औलाद में करानी एक नाड़ा भी ले देंगे अंदर बेरोग अपना तो बेल्ट लग निकाल ले जाओ उसकी फिर वो कैसे मर गया जी फांसी ले कैसे मर अरे कवलदार बिल्कुल बिल्कुल उसके सामने बैठ रहा जी रात सारी रात की ड्यूटी हो 24 घंटे की ड्यूटी हो पुलिस वाले की जी जिम्मेवारी किसकी बनती है जी पुलिस वाले की बना जी तो पुलिस वाला ने मारा वो तो बीच में समझौता करने की बात चली थी उसके तो बात हो गई थी जी चली थी सारा मामला जी बहुत बड़ा यू आपने बेरा होनी सिस्टम अंदर अंदर होगा सारा कुछ होगा जी मैं थाने में सिफारिश वो इसमें क्या सिफारिश लगेगी जी इसमें मामला किसी लड़ाई झगड़े में दरखास्त दी है तो नहीं सिफारिश किसकी नहीं जी किसी का उन्होंने कर सिफारिश लगी है कहाँ पर है जी सिफारिश पुलिस का हम किसी का मामकन देने भाई फलाने सिफारिश करी उसने करी प्रशासन नहीं जी पता ही नहीं कहाँ लेके गए तो पिताजी यहाँ ही होगा उसका यहाँ तो किसी को नहीं पता दोबारा मेडिकल होना चाहिए जिसका पुलिस ने अपनी मर्जी से मेडिकल कराया दोबारा मेडिकल होगा बढ़िया मेडिकल होना चाहिए मैंने कानून हाथ में खोल लेते जे अगर हमारी सही कार्रवाई हुई तो कानून हाथ में ले लेंगे अगर जे अगर हमारे सही कार्रवाई नहीं फिर मैं उसके बाद में रीजन हो तो हम क्या करा के नहीं कानून अपने हाथ में लेगा अपने जैसे मांग है जज साहब आए हुए बैठे संतुष्टि करवाएंगे सब कैसे तो कोई नहीं बात आप इतने तो पढ़े लिखे हैं तो पागल है मिनिमम अपना नुकसान अपने सारा नुकसान करांगे नुकसान नहीं करते अपने सारे का 1% भी फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया कहने का मतलब ये परिवार की संतुष्टि हो जाए परिवार की संतुष्टि बस ये है मेन अगर मान लो वो कह रहे हैं ना भी आत्महत्या करी है तो उसका भी जिम्मेदार प्रशासन है अंदर मतलब कोई भी इस तरह नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता वो भी जिम्मेदारी मतलब प्रशासन की है उसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले की बन जाती है जी अगर बंदा कस्टडी में आएगा ना उसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले की बनती है 24 घंटे दिखाओ दीपक धीरे धीरे जो है लोग है जो वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस समय बताना चाहूंगा समाज से अपील की है भाई आज तो इसके साथ है ऐसे कल किसी और के साथ भी हो जाता है सभी समाज से ये अपील करता हूँ मैं बीएसएन थाने में पहुँचो इंसाफ दुआओ 24 घंटे के अंदर यानी कोर्ट में पेश कर दो कोई मुजरिम है चाहे किसी का छोटे क्राइम हो चाहे कोई बड़े क्राइम हो अगर भाई देव अगर रिमांड लेना है तो कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़े उसके रिमांड वास्ता है क्या होता है जैसे समझौते की बात चल रही थी ना उसकी वजह से क्या पता कल रख सकते उसमें वो किसी की जमानत पे भी कच्ची जमानत पे छोड़ देते हैं भी जिम्मेवारी पे भी आप ले जाओ राजीनामा होता है तो भी अपना कर लो नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे संविधान के नियम के तो दर्जियां उड़ा रखी है तो बच्चों को मत दिखाना दीपक छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं ये लोग हैं
गेट के बाहर जो है बैठ गए हैं। रमेश जी अंदर उसका डैडी कह रहा भाई कुर्सी दे दी, कुर्सी कैसे बिकी उसमें जे उसमें अंदर जेल में कुर्सी कैसे बिकी? उसका डैडी सवेरे आए लेके आयो दारू पी कर रखा जिसमें 24 घंटे दारू पी हुआ उसके गुंठे गांठे लुवा लिया अंदर वो कुर्सी दे दी, कुर्सी कैसे बिकी? चप्पल बेल्ट वगैरह तग वगैरह कुछ नहीं, गलत होया जो कुछ भी है नहीं, गलत होया, बहुत ज्यादा गलत होया। फांसी जिन्हें ली है ना, फांसी लेने वाला भी 5-7 मिनट तो तड़फता होगा, कहीं यहाँ संतरी नहीं थी क्या? संतरी नहीं था का 24 घंटे ड्यूटी होती है इनकी। पानी भी अगर मांगता है ना कोई, वो भी मंजूरी लेनी पड़ती है, भी पानी हमारे को अंदर भेजना है जी। हमारी तो रोटी भी नहीं अंदर जाने देते कैदी के लिए, पानी भी नहीं जाने देते, ही नहीं कही है सब कुछ। हाँ जी इन्होंने चाहिए था भी, अगर बंदा लटक गया है तो उसको देख भाई क्या बात है, ये गेट के ऊपर ही होया होगा, कोई कुंडियों के साथ तो फांसी नहीं ली उसने बंदे ने, है इतनी जुम्मेवार भी नहीं समझते भैया। हमारा हमारे थाने के अंदर ये इतना बड़ा कांड होने लग रहा है, इसका जुम्मेवार कौन होगा? थाने के अंदर पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि रमेश ने ली है फांसी। परिवार ये चाहता है कि पूरी पूरी निष्पक्ष जांच हो, उसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से रमेश ने फांसी ली है, किसने उसकी शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि झूठी शिकायत, उसके अंदर समझौता भी हो सकता था, लेकिन किसी कारण से समझौता न होने का कारण जो है ये आज ये घटना तो घटती है। और इस समय गेट के बाहर जो लोग हैं वो सभी बैठ गए, महिलाएं मौके पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे। और इस समय हमने क्या कहना है, हमने कुछ नहीं कहना भाई, निष्पक्ष निष्पक्ष जांच की तो मांग करेंगे ना। नहीं नहीं हमारी कुछ नहीं, हमारी कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने तो क्या बता दी, हम तो घर थे, निष्पक्ष जांच की तो मांग करेंगे। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं, हमने कह रहे हैं इंसाफ दो, इंसाफ दो, हाँ जी हाँ जी, निष्पक्ष जांच हो, इंसाफ हो, क्या गलत हुआ क्या ठीक है, हाँ हाँ सबके सामने आना, सामने सामने, हाँ जी हाँ जी, पब्लिक को सब पता लगना चाहिए सबको। यदि पुलिस ने मान लो ये कहा है कि आपको ये कहा है कि उसने फांसी ली है, फांसी किस वजह से ली, किस हालात में ली, क्या हुआ, किसने शिकायत दी, क्या किस तरीके से आज थोड़ी है यार। और इस समय जो लोग हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं और निष्पक्ष जांच की जो है मांग कर रही है। और ये तस्वीरें हैं और लगातार आरोप लगाते हुए अब अलाद में फांसी को कर ले इसका है, मार कर ना इन्हें पुलिस ने हटाएंगे वो, और जब जाकर उनको फांसी ले ली और फिर आप ले गई है, कोई घर कजी नहीं जा सकता जिस टाइम मेडिकल कराने ले जा रहे हैं, और तक कहते सहने कराए दमका का, और बेचारा दारू पीवा चल कोई बात नहीं दमका दिया वा भाई, हमने भी कर देंगे वो भी कर देंगे, जब जाएगा ना साइन कराए, यू कोई मतबल थोड़ी ना है, यश प्रशासन है, यू मारी रक्षा करेगा, मानत खुद मारन लाए रही है, हम फुद्दू फिर रहे हैं, गरीब आदमी नहीं मारा और ना देख लो ना बढ़िया ना किसी ने, फांसी नहीं ले सकता कोई भी जी। अब हालात में संदीप नाम है जी मेरा जी, मैं उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ, पड़ोस माता हूँ, ठीक है जी। तो लोगों में रोष है और गेट के बाहर जो है बैठ गए हैं और महिला का रो रो कर बुरा हाल है। पीट का मार रहा क्या जी, हमने इतना बेरा जी, ये जान का कर रहे हैं भाई, फांसी ली है, मुंह कौन ले लेगा, कोई ना दस इधर रख दी उड़ा, अब लात में वो तंग हो रहा, बालक बच्चा दार था बेचारे, देख छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उसके, वो तंग हो रहा था कि भाई काम करा बेचारा, लू आई का बढ़िया कमाई थी उसकी, बच्चे रहे छोटे छोटे, वो तंग क्या हो रहा था, वो मरेगा भाई, तंग हो रहा तो मरा बंदा, तंग भी नहीं हो रहा था, अरे वाला आत्मा कौन फांसी दे देगा, कौन ले लेगा, कुछ भी नहीं होता वाला आत्मा, तो खाली कंबल हो बस मत सो जिया बंदा, हाँ बैठो था और ले आओ बुलाकर जाम लाओ। तो इस समय पुलिस स्टेशन असंद है और बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ चल रही है, लेकिन वो निष्पक्ष जांच की जो है मांग वो कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा और इन तस्वीरों को जो है जब
शेयर कीजिएगा। गोली मारेंगे, गोली भी खा लिया मेरा। अरे ओटे की साहब और उग आवे यार तू बैठो बैठो रा खा रे कमाल करे सारे वाले जाम करो रे जाम नहीं बना रहे अरे इधर रोड पे जाओ इसमें बताना चाहूंगा कि मेरी बात छोटे रोड आप भी इंसाफ के लिए खड़े रोड एक एक मिनट एक मिनट हम भी आपके साथ इंसाफ पकड़े हैं। हाँ जी हाँ जी आप रोड जाम कराएंगे लोग परेशान होंगे नहीं ठीक है आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी आप भी खड़े हो इंसाफ चाहिए सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए यही होता हो ना बस लोग परेशान ना हो आपके बराबर में खड़े ठीक है ना इंसाफ है जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए भी क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं वो मेन चीज है ठीक है। तो गेट पर सभी जो लोग हैं वो खड़े हैं और इंसाफ की जो है मांग कर रहे हैं कि जो इंसाफ है वो हमें जो उनकी मिसिज है वो इस समय यहाँ से जाती हुई और उसको यहाँ से ले जाते हुए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल एक 6 महीने का एक बच्चा है और इस समय ये लोग गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और इंसाफ की मांग करते हुए ये लोग और ये महिलाएं हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है रमेश के ऐसा काम जी करा नहीं है फांसी दी है जी इन्होंने मारा जी पुलिस वाले ने जिसको मिस्त्री कौन है जिसके साथ जी मिस्त्री जी वही काम कर रहा था जी उसकी मिसेज ने दरखास्त दी थी। हाँ जी उसकी घरवाली ने दरखास्त दी है जी झगड़ा हुआ जी कोई बात नहीं थी मिस्त्री के साथ झगड़ा हुआ था जी वो तो आपस में वैसे समझौता हो सका था जी व्यक्ति बीच में आया था आए जी आए मानी जी पैर भी पकड़े जी उसके लेडीज ने नहीं मानी जी उसके बाद हाँ जी उसके बाद दरखास्त दी है जी दरखास्त उन्होंने देखे जी घर से उठा के लाए जी उसको दरखास्त भी नहीं दी क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जी। हाँ उनके पास वो चाहिए मना साफ चाहिए जी मना अपना बंदा चाहिए जी मारा बंदा भी दिखाया मारा किस तरह पालेगी तीन तीन बच्चे ने छोड़ का 26 साल का सारो और बाहर के जी दाढ़ी मजदूरी करा जी दाढ़ी मजदूरी करा जी मजदूरी थे जी 25-26 का था जी जी मारी मांग है जी मान जी अपना बंदा चाहिए जी न्याय के लिए जो ये लोग हैं बैठे हैं तो बने रहिएगा और पुलिस स्टेशन असंध के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं और न्याय की मांग करते हुए ये लोग बने रहे जुड़े इन तस्वीरों आप ज्यादा शेयर करें।